डियर स्टूडेंट्स, टुडे मैथ क्लास 9th, वर्कशीट नंबर 41, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। जैसा कि आपकी वर्कशीट में कहा गया है कि हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे फाइंड करेंगे और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे फाइंड करेंगे, उसको थोड़ा डिस्कस किया गया है कि वी हैव दिस वन क्यूब एज दिस फॉर्म ऑफ दिस, एक वन बॉक्स है आपके पास, उसमें छोटे छोटे क्यूब्स उसमें डालने हैं और उसको देखना है कि हाउ मेनी क्यूब्स आप यूज करके आप उसको बॉक्स को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ आपको हिंट दिया गया है कि आपके पास यदि उसमें बॉक्स में यूज किए जा रहे हैं 5 बॉक्स एज 5 × 2 × 3, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 30 क्यूब्स। अब आपके पास क्वेश्चंस करने के लिए जो फॉर्मूला है डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज साइड इंटू साइड इंटू साइड। इसके अकॉर्डिंग आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है कि आप किसी भी बॉक्स मैचेस बॉक्स का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो जिसमें आपकी डायमेंशन गिवन है जैसा कि उसमें लिखा हुआ है। बट हम बात करते हैं आपके पास जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले वन क्वेश्चन आपको दिया गया है कि लेंथ ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड लेंथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइडिकल रूम इज 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रूम। तो यहाँ हम कंसिडर करेंगे सबसे पहले वन लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू 5 मीटर। अब रूम की लेंथ आपको गिवन है 5 मीटर, सेकेंड आपको ब्रेथ गिवन है 4 मीटर एंड हाइट of room equal to 3 meter, then find the volume of room, means the volume of room का formula आप use करेंगे room as form of cuboid as length breadth height and use is 5 × 4 × 3 means 5 × 4 = 20 + 3 × 60 m³ is the volume of रूम। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वी हैव दिस साइड इज साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 10 cm, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 10, फॉर्मूला आपके पास पहले यूज कर दें एज ए साइड स्क्वायर साइड क्यूब एज 10 of 3 क्यूब करेंगे इज 10 × 10 × 10 मीन्स 1000 cm³, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। आप इस टाइप से वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल गया। थैंक यू।